एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आजकल हम जो चर्चा कर रहे हैं कि विदेश यात्रा, विदेश में निवास आदि के बारे में हमने जो वीडियो बनाए हैं वो आपने देखे होंगे। आज ये जातक और जातिका ये जानना चाहते हैं कि क्या हम विदेश जब जा रहे हैं तो वहाँ हमें संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है या नहीं है, तो इसको हम कैसे अपने कुंडली में देखें। तो आज हम जो चर्चा करेंगे कि ज्योतिष में कुंडली में किस तरह से देखा जाए कि हमारा जो हम विदेश अगर हम जा रहे हैं तो क्या हमें वहाँ संघर्ष मिलेगा, ये तो ये जानने के लिए आप जो भी जातक और जातिका हैं अपने कुंडली को देखें और अगर ऐसा प्रभाव है तो उसके उपाय भी थोड़े क्या हो सकते हैं वो भी करने का हम प्रयास करेंगे। तो जो आप इसके पहले हमारे जो विदेश यात्रा पे हमारे वीडियो बने हुए हैं उनको जरूर देखिए और अपने कुंडली में उसका आकलन कीजिए और आज उसी श्रृंखला में बात करेंगे कि हमें विदेशों में संघर्ष तो नहीं करना पड़ेगा, अगर है तो हमारी कुंडली में इसको कैसा देखा जाए। तो सर्वप्रथम आप देखिए कि जो भी लग्न हो आपका उसका आपका 12वां भाव जो रहता है वो विदेश का भाव रहता है। तो अगर इस 12वें भाव में अगर जो ग्रह हम बता रहे हैं कि शनि है, राहु है, केतु है, सूर्य है, मंगल है, अगर ये इस तरह के जो पापी ग्रहों का अगर प्रभाव है आपकी कुंडली पे 12वें भाव पे, तो आप मान के चलिए अगर ये भाव 12 भाव पे प्रभाव का या तो वहाँ बैठ के या दृष्टि संबंध डाल रहे होंगे ये ग्रह, तो इसका प्रभाव उसमें माना जाएगा 12 भाव पे। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ शनि है, राहु है 12 भाव में और 12 भाव का स्वामी भी मंगल और सूर्य से प्रभावित है, तो इस तरह से अगर 12वां भाव जो है अगर प्रभावित होता है पापी ग्रहों से, तो आपको यह मान के चलिए कि जब भी आप विदेश में जाएंगे तो आपको संघर्ष की स्थिति बनाएंगे और तनाव पैदा करेंगे, इसके कारण आपको वहाँ तनाव होगा, संघर्ष की स्थिति बनेगी और आपका जो इसके कारण जो विदेश से हमें फायदा होना चाहिए, हमारा भाग्य बदलना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो भी ग्रह की अगर ये दशाएं अंतर दशाएं चलेगी जब भी इस तरह का आप पर प्रभाव आएगा, तो वो जो ग्रह मान लो यहाँ शनि है इसके मान लो दशा चल रही है, तो हमें क्या करना है, शनि के मंत्रों के जाप करना चाहिए और साथ साथ में जैसे राहु है तो राहु के मंत्रों के जाप कीजिए, जो भी ग्रह प्रभावित कर रहा है उस ग्रह के मंत्रों के जाप करके 108 बार कीजिए। एक तो ये हो गया, दूसरा आपका जो लग्न है वो उसका जो स्वामी बनता है जैसे यहाँ पे बुध है तो उसके मंत्रों के जाप करना चाहिए, 108 बार करना चाहिए, तथा अपने जो भी इष्ट देव बनते हैं आपके या आपके इष्ट देव की आराधना करना चाहिए, सुबह शाम करना चाहिए और इस तरह से अपने इष्ट को से प्रार्थना करना चाहिए कि हम विदेश में हमको जो भी ये प्रभाव आ रहा है उसको थोड़ा हमारी सहायता की जा सके, प्रार्थना की जा सकती है, आराधना की जा सकती है। तो आज हमने जो चर्चा की है कि किस तरह से आप अगर आप विदेश में जाते हैं तो अपनी कुंडली में किस तरह से देख सकते हैं कि 12वें भाव पे अगर ऐसा प्रभाव आ रहा है जैसा हमने अभी को बताया है तो आपको वहाँ पे बहुत ही स्ट्रगल्स होगी और आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, आप वहाँ पे जो भी जॉब है उसमें भी आपको जो हमारी इच्छाएं हैं जॉब है वो हम वहाँ पूरा नहीं कर पाएंगे और हमें इस तरह के प्रभाव को कम करने के लिए जो उपाय बताया है वो करना चाहिए, जैसे कि हमारा जो असंतोष है, निराशा है और ऐसा ऐसा प्रभाव होने से जातक बार बार नौकरियां भी वहाँ बदलता है तब भी उसको संतोष नहीं होता है और संघर्ष करना पड़ता है। तो ये आप अपनी कुंडली में इस तरह के प्रभाव देख के पहले से ही देख सकते हैं कि हमें विदेश जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसका आकलन आप कर सकते हैं।
आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल एस्ट्रॉलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं टेलीफोन से तो टेलीफोन से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपको अभी तक हमारी चैनल एस्ट्रॉलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब नहीं किया जो किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ लाइक शेयर कीजिए, वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। आपने आप हमारा वीडियो देखा, चैनल सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।